भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा साइज का हमने L3 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार फुल चार्ज करने में आपको 4 घंटे लगेंगे और 4 घंटे में ये आपका मिनिमम 150 किलोमीटर चलेगा, जिसकी कॉस्टिंग आप अगर पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आपको 50 पैसे से भी कम पड़ेगी। इस व्हीकल की काफ़ी सारी खासियतें हैं, आपको अंदर बैठ कर दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको देखने के लिए लग रहा है। इसकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं, सबसे हटके है। तो ये दोनों की कैटेगरी अलग है, अगर किसी को लोडिंग पर्पज से चाहिए तो वो दबंग रनर लेगा, अगर किसी को पैसेंजर के हिसाब से चलाना है तो वो अपना दबंग मैक्स लेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉमर्शियल ईवी व्हीकल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको लेटेस्ट मॉडल ईवी व्हीकल से रिलेटेड मिलने वाले हैं और इन्होंने लेटेस्ट मॉडल की जो रेंज है वो लॉन्च की है। तो सर, इस बार के ईवी एक्सपो में क्या रेंज लेकर आए हैं और किस तरह से व्यूअर्स के लिए एफिशिएंट होने वाले हैं? तो इस बार हमारा गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेन एजेंडा ये रहा है कि थोड़ा सरप्राइज फैक्टर डाला है हमने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने डीलर्स के लिए, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए। ये एक सेगमेंट ऊपर हमने निकाला है, वो L3 सेगमेंट है जो कि ई रिक्शा ई लोडर्स की कैटेगरी होती है। ये ऑटो सेगमेंट है विच इज़ L5। तो L5 हमने अपना प्रोटोटाइप अभी इंट्रोड्यूस किया है और कल मनोज तिवारी जी भी आए थे इसको लॉन्च करने के लिए और ये विद इन फ्यू मंथ्स में ये इंडियन रोड्स में दिखेगा आपको और जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट होगा और जो नए डीलर्स बनेंगे इसके थ्रू वो तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है ही है। ये गाड़ी हमारी डायरेक्ट ऑटो सेगमेंट में कम्पीट करेगी एंड अभी जो भी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पर मोटा मोटी 4-4.5 का हम टारगेट लेके चलेंगे डिपेंडिंग ऑन द सारे एस्पेक्ट्स और फाइनेंस फैसिलिटीज रहेंगी इसके साथ एंड वी आर टारगेटिंग की पैसेंजर और कार्गो दोनों सेगमेंट इसमें फ्लरिश करें। तो अगर आप भी CNG या पेट्रोल व्हीकल से EV व्हीकल में स्विच ऑन करना चाह रहे हैं तो ये व्हीकल आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। सारी डिटेलिंग व्हीकल से रिलेटेड भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर, ये हमने कल ही लॉन्च हुआ है प्रगति मैदान का जो EV एक्सपो लगा हुआ है, इसमें ये हमारा जो है दबंग मैक्स के नाम से हमने एक L5 लॉन्च करा है। ये एक बार फुल चार्ज करने में आपको 4 घंटे लगेंगे और 4 घंटे में ये आपका मिनिमम 150 किलोमीटर चलेगा, जिसकी कॉस्टिंग आप अगर पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आपको 50 पैसे से भी कम पड़ेगी और इसमें जो आपका मेंटेनेंस चार्ज है वो भी मतलब 0 के बराबर है, अदरवाइज डीजल CNG व्हीकल के अकॉर्डिंग। और सर, ये जो व्हीकल है और जो आपके कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनसे कैसे बेहतर है, कैसे जो इसका व्हील टायर है ये कितने इंची का होने वाला है और बॉडी वगैरह इसकी जो है वो किस तरह से आपने बनाई हुई है इसकी? सर, बॉडी इसकी पूरी लोहे की है और जो दूसरों की बात करें जो इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा साइज अभी तक कोई लेके नहीं आया जो दबंग मैक्स दबंग लेके आया दबंग मैक्स करके। और इसकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं, सबसे हटके है, पूरा ये अपना लोहे मतलब आयरन में है, मजबूती में भी बढ़िया है और इसका जो स्पेस है आप अगर अंदर करेंगे तो इसमें स्पेस बहुत बढ़िया है जिसमें 12 से 14 लोग एक बार में रनिंग मतलब जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस अंदर से देखने के लिए मिल पा रहा है। और सर, अंदर के इंटीरियर की हम बात करें तो ये किस तरह का है, मतलब इसमें बटन्स वगैरह क्या क्या फीचर? ऑटोमेटिक सिस्टम है सर, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ऑटोमेटिक है, जैसे आप अगर इसको चढ़ाई में ले जाते हो तो आपको बटन दबाना है और ये अपना चढ़ाई में आपका स्मूथली आपको ले जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि रुक गया या चल नहीं पाया है जी। और सर, ये सेकंड जो मॉडल्स है ये किस तरह का मॉडल्स है? ये सर हमारा दबंग रनर के नाम से है, ये आप लॉजिस्टिक के लिए बहुत फायदेमंद है, जो लोग सामान इधर से उधर सामान ले जाने के लिए इसमें आप 1 टन से 1.5 टन इधर से उधर सामान ले जा सकते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी जी जी। और पीछे जो ये क्या बोलते हैं, लोडर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? ये पूरा ही लोडर है, ये इसका साइज होता है कि जैसे इसका साइज है 6.5 x 5, जो इसकी लेंथ होगी वो आपकी 6.5 फीट होगी और विड्थ इसकी 5 फीट होगी, जो कि स्पेस भी बहुत बढ़िया है और खर्चा भी इसमें आपका जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो कम आएगी।
तो सर इस मॉडल्स में और इस वाले मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या होने वाला है, कैसे एक यूजर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये वाला मॉडल बेस्ट रहेगा या ये वाला मॉडल बेस्ट? नहीं सर, ये दोनों की कैटेगरी अलग है। अगर किसी को लोडिंग पर्पज से चाहिए तो वो दबंग रनर लेगा, अगर किसी को पैसेंजर के हिसाब से चलाना है तो वो अपना दबंग मैक्स लेगा। दोनों का अलग अलग है। अगर जैसे कोई कंपनी है या कोई लॉजिस्टिक जिनका काम है वो मैक रनर को प्रेफरेंस करेंगे, और जो जिनको रोज की इनकम या पैसेंजर वो लेना होगा वो दबंग मैक्स को यूज। इट मींस आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एक्सपर्टीज है आपकी और काफी सारे जो व्हीकल की रेंज है वो आप यहाँ पर लेकर आए हैं। बिल्कुल सर, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। बाकी हम ई रिक्शा में 3-4 मॉडल बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास MS में है, SS में है, और एक हमने सुपर डिलक्स दबंग का सुपर डिलक्स मॉडल अभी लॉन्च करा है। दबंग ईवी का लेटेस्ट मॉडल आपको ये देखने के लिए मिल पा रहा है जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, और इस व्हीकल की काफ़ी सारी खासियतें हैं। आपको अंदर बैठ कर दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको देखने के लिए लगने वाला है। ये काफ़ी बड़ी विंडो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और चलाने के लिए अगर फुट रेस्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए लग पा रहा है। ये देखेंगे आप डिजिटल जो स्पीडोमीटर है वो स्टार्ट हो चुका है और लुक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी इन्होंने दिया हुआ है और ड्राइवर काफ़ी आसानी से इन सब चीज़ों को चला सकता है। चौड़ी विंडो स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलने वाली है, इस ताकि सामने का जो पर्सन है वो काफ़ी आसानी से इन सब चीज़ों को देख पाएगा। और छत की भी बात करूँ तो ये भी काफ़ी लुक्स में अट्रैक्टिव लग रही है। इट मीन्स एक कम्पैक्ट पैकेज आपको इस व्हीकल में देखने के लिए मिलने वाला है। ये लेटेस्ट मॉडल है और काफ़ी सारी खासियत इस व्हीकल की हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाने वाले हैं। बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड में भी काफ़ी बड़ा जो स्पेस है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं पीछे का एरिया है, और पीछे के एरिया में अप्रोक्स 4 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं और 4 पैसेंजर इस साइड में भी बैठ सकते हैं। तो और स्पेस की मैं बात करूँ तो इतना बड़ा स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं पैर ऐसे भी फैला दूंगा तब भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वो देखने के लिए मिलने वाला है। बेस्ट व्हीकल है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एक ऐसा कॉमर्शियल ईवी व्हीकल जिसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो और एक CNG का सर्विस रूट आपको देखने के लिए मिलने वाला हो। ईवी व्हीकल है तो इसमें एक बैटरी वो एक मेन पार्ट प्ले करती है, तो अभी बैटरी जो है बैटरी का साइज क्या होने वाला है और एक बार फुल चार्ज करने पर ये बैटरी कितने समय तक चल पाएगी? सर इसमें सबसे पहले तो बैटरी हमने लिथियम आयन लगाई है 210 AH की, जो आपकी 150 किलोमीटर आराम से चलेगी, और इसमें जो मोटर कैपेसिटी है वो 4000 वॉट की है, जो कि बहुत मतलब पावरफुल मोटर है। और सर ये वाली जो बैटरी है इसको अगर हिल्स एरिया पर हम ले आते हैं या चढ़ाई वाले एरिया पर ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत आएगी या किस तरह से? नहीं सर, इसमें जैसे 7 डिग्री रेडिएंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलेगी। बाकी इसमें मैंने जो अभी ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था वो ऑटोमेटिक है कि जहाँ पे आपको चढ़ाई मिलती है तो वहाँ पे वो आप गियर चेंज करेंगे और आप आराम से ले जा सकते हैं इसे। अपना जो दबंग ईवी है उसका ये सबसे पहला प्रोडक्ट था ई रिक्शा L3 वाला। इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएंट हैं। ये हमारा सुपर डिलक्स मॉडल अभी ये भी हमने लॉन्च करा है। इसमें हमारे पास लिथियम आयन में और 5 बैटरी में भी अवेलेबल है। और सर मैं अंदर का जो बात करूँ तो अंदर का क्या स्पेस रहता है और किस तरह की जिसका बैटरी वगैरह होती है उसके बारे में और बताइए। सर इसमें बैटरी हम 130 AH से और 160 AH तक लगाते हैं, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है। कस्टमर को जो बैटरी चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी दे देते हैं। इसमें मिनिमम भी जो बैटरी होती है वो आपका 100+ माइलेज देती है। बाकी अगर आप बैटरी का एज बढ़ाते हैं तो आपकी बैटरी इससे 130-150 तक भी चल सकती है एक चार्जिंग पर। जी सर, अभी ये सारे प्रोडक्ट की हमने रेंज देखी है, अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट परचेज करने हैं जैसे अभी आपने कल ही एक नया व्हीकल लॉन्च किया है, इन सभी जो व्हीकल को परचेज करना है किसी को तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे रीच आउट कर सकते हैं? सर हमारी वेबसाइट है दबंग ईवी के नाम से, और इंस्टाग्राम में भी दबंग ईवी का है, उसमें हमारे सारे मार्केटिंग सेल्स के नंबर है, उसमें कोई भी बंदा कॉल कर सकता है और हमें बता सकता है कौन सी लोकेशन है क्या है। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो हम वहाँ पे ज़रूर अपना डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर किसी को चाहिए होगा तो वो देने के लिए उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे।